Hello students, welcome in the physics class. So today we will study or give a short revision on the syllabus. So we will start with the first chapter, that is the physical world. We will only revise the important topics. So this is only the revision for the UT exam. So watch the video carefully. So we are going to start with the fundamental forces in nature. जो हम लोगों के पास क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो हैं कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। दैट विच आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन अ नेचर, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। सो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस, हम लोगों ने बात की थी कि देर आर फोर फोर्सेस इन नेचर विच आर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पहला आप लोगों के पास था कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सेकंड वन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड वन आप लोगों के पास अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एंड फोर्थ वन आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं, ध्यान दें आप लोग, these are in the order of increasing order of their strength. ऐसे ही ध्यान में इनको रखना है कि पहले तो हम लोगों ने बात की थी कि ये forces आपके पास किस तरह के हैं। अब revision time में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, this order that is the increasing order of their strength. This is increasing order of the strength. It means that in all these forces, in चारों forces में अगर हम लोग देखें, then the gravitational force is the weaker force. इन चारों में सबसे weaker force कौन सा आ गया, gravitational force. फिर उससे stronger आ गया weak nuclear force, और उससे stronger आपके पास आ गया कौन सा, electromagnetic force, और उसके बाद आपके पास कौन सा आ गया, that is the strong nuclear force. अगर हम लोग इनकी strength की बात करें, तो अगर रेशो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपके पास ये रेशो आती है कितनी, वन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वन रेशो 10^25। इट मींस दैट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, देन दिस इज 10^36। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दीज आर 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, देन last one is 10^38. It means that the strong nuclear forces, these are 10^38 times stronger than that of the gravitational forces. तो इस तरीके से आपके पास सबसे ज्यादा जो strong forces हैं आपके पास, these are which one, that is the strong nuclear forces. अब बात करते हैं हम लोग इनके properties के बारे में थोड़ा सा। ये जो key points हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, key points की जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जहाँ से आपके पास questions पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए आप लोगों ने, अगर हम लोग बात करें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और टू मासेस, दैट इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात की थी हम लोगों ने, ऐसे ही कहा यार जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो हमने यहाँ पर बोला गया था कि दैट दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेज, दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेज। ये फोर्सेज कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेज, और इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स दीज रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज विच वन, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मींस दैट दीज फोर्सेज आर अ लॉन्ग रेंज फोर्सेज, आप उनके पास आ गए। ठीक है,
these forces, these omega is inversely along aapke paas f that varies inversely as r square means that these forces that are obeys inverse square law को क्या करते हैं आपके पास ये obey करते हैं these forces are central forces कौन से forces आ गए आपके पास central forces सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या आ गया आपके पास ये कोई दो बॉडीज आपके पास आ गई then these forces act along the line joining the centers of the two bodies ये एक का सेंटर आ गया दूसरी का सेंटर आ गया तो इस तरीके से आपके पास ये क्या करेंगे एक्ट करेंगे इसलिए इनको क्या बोला हम लोगों ने these forces are which one these are the सेंट्रल फोर्सेस ठीक है कौन सा आगे सेंट्रल फोर्सेस दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस आगे कंजर्वेटिव फोर्सेस अब ये जो फोर्सेस है आपके पास दीज फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ मींस दीज फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अगर ये फोर्स एफ वन है तो ये फोर्स क्या हो गया एफ टू तो आपके पास हम लोग लिख सकते हैं एफ वन दैट इज इक्वल टू माइनस एफ टू मतलब ये फोर्सेस क्या है जितने फोर्स से ये बॉडी वन जो है दूसरी को अट्रैक्ट करेगी उतने फोर्स से बॉडी टू जो है वन को अट्रैक्ट करेगी लेकिन कौन सी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी देयरफॉर दीज फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मोर ओवर दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर कैसे फोर्सेज आपके पास कंजर्वेटिव इन नेचर कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से फोर्सेज आते हैं द फोर्सेज बाई विच और अगेंस्ट विच द वर्क डन टू मूव अ बॉडी only depend on the initial position and final position of the body and is independent from the path followed by the body then the forces are called the conservative forces so ye forces aapke paas kaun se aage conservative forces ab baat karte hain yahan par field particle ki field particle of the gravitational forces that is a graviton field particle dhyan rakhna beta aap logon ne yahan par inka field jo particle hai wo kaun sa aa gaya field particle is a ग्रेविटोन ये हमारे पास क्या आ गया इनका फील्ड पार्टिकल आपको पास आ गया तो ये हमारे पास हो गया एक चीज और दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस दिस डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी शेप और साइज से क्या है इंडिपेंडेंट है एंड इट आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडीज आर प्लेस्ड कि कौन से मीडियम में बॉडीज को हम लोगों ने रखा है उससे भी आपके पास ये क्या है इंडिपेंडेंट है तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरा कौन सा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में सिंपली ये बोला गया कि दैट दीज आर 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस और दूसरी बात ये की गई हमारे पास कि दैट दीज फोर्सेस आर बिटवीन द मेसोन एंड मेसोन और मेसोन एंड लेप्टोन्स मींस दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच हैव अ शॉर्ट लाइफ टाइम जिनका लाइफ टाइम क्या है बहुत ही कम है उनके बीच में जो फोर्सेज होंगे आपके पास उनको क्या बोल दिया हम लोगों ने वीक न्यूक्लियर फोर्सेज बोल दिया और इनका जो आपके पास फील्ड पार्टिकल है वो आपके पास के आगे दैट आर द पाई मेसोन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज में आते हैं वैसे इनके बारे में ज्यादा स्टडी अभी तक की नहीं गई है नेक्स्ट वन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आप लोगों के पास आते हैं किसके बीच में द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अब चार्जेस क्या होते हैं आपके पास व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट देन इट ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द चार्ज इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो व्हेन द चार्ज दैट एक्सलरेट देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट मीन्स The moving charge that is the source of electric field as well as a magnetic field. So when the charge moved, तो ये आपके पास कौन सी फील्ड इसने प्रोड्यूस कर दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी सो व्हेन अ चार्ज एंटर इन दिस फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट फोर्स इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट वाज गिवन बाय इन फ्री स्पेस इज 1/4πε0q1q2r² अब इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश हम लोगों ने नहीं कर रहे हैं सिंपली हमारे पास ये रिलेशन आ गया इसका मतलब ये फोर्सेस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं आपके पास क्योंकि ये आपके पास आ गया ठीक है एप्सिलॉन नॉट दैट इज पार्ट ऑफ फ्री स्पेस अगर फ्री स्पेस नहीं आता है यहाँ पर तो एप्सिलॉन आपके पास आएगा अब यहाँ से भी अगर देखें हम लोग तो एफ दैट वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वायर दीज फोर्सेस आर सेट क्या दीज ओबेस इनवर्सली लॉ मोर ओवर दीज फोर्सेज आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेज कैसे फोर्सेज आएंगे आपके पास सेंट्रल फोर्सेज आएंगे दीज फोर्सेज आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से फोर्सेज हो गया आपके पास
कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए। मोर ओवर आप लोगों के पास यहां पर फील्ड पार्टिकल की बात करनी है, हम लोग ने जो फील्ड पार्टिकल है इस केस में, फील्ड पार्टिकल इन दीज फोर्सेस दैट इज फोटोन, फोटोन ध्यान दें, फोटोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है उसमें फील्ड पार्टिकल कौन सा आ गया, दैट इज अ फोटोन। ठीक है, लास्ट वन आपके पास आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस बाय विच द न्यूक्लियोन्स, न्यूक्लियोन्स मीन्स आप लोगों के पास प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज बाइंड टूगेदर इन द न्यूक्लियस। अब आपके पास प्रोटॉन्स पता ही है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो भी किसमें है, न्यूक्लियस में रह रहे हैं, और न्यूट्रॉन्स दीज आर न्यूट्रल, दीज लाई ऑल्सो इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटोन प्रोटोन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन दीज लाई इन द न्यूक्लियस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस दीज आर 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड 10^2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस हैं आपके पास, दीज डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दीज आर नॉट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास ये क्या करते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, दीज ओनली इंटरेक्ट विद द नेबरिंग न्यूक्लियॉन, जो आपके पास साथ वाला है, मतलब प्रोटोन जो है आपके पास किसके साथ है, अगर पड़ोस में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, अगर आप न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के साथ भी क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, इट मीन्स दैट दीज फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज ऑन द बॉडीज, उनसे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अब यहाँ पर फील्ड पार्टिकल की बात करें अगर हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो फील्ड पार्टिकल है आपके पास, दैट इज फील्ड पार्टिकल इन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज दैट इज पाई मीज़ोन, पाई मीज़ोन आपको पास आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है बेटा आप लोग ने एक बार पढ़ लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पास आ सकता है, फंडामेंटल फोर्सेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, और इनको आप लोगों ने फील्ड पार्टिकल और इनका जो नेचर है आप लोगों के पास उसके बारे में आप लोगों ने एक बार स्टडी करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी कर लेना है इसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड में, सेकेंड चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशंस की, डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने करना है, हम लोग रिविजन क्लास में भी कुछ कर रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन करने थे रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट्स के हम लोगों ने डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दैट द क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी है आपके पास कौन सी, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस दैट कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दूसरी बात आप लोगों के पास, जब हम लोग किसी क्वांटिटी को उसी में ऐड करेंगे तो हमारे पास उसी तरह की क्वांटिटी ऐड ऑब्टेन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जब हमारे पास क्या होगा, दैट व्हेन द लेंथ इज एडेड टू द लेंथ मींस एल प्लस एल देन वी ऑब्टेन ओनली लेंथ, यहां पर 2l नहीं लिखना है, अगर आप लोगों ने लिख दिया कहीं पर यहां पर एल प्लस एल दैट इज इक्वल टू, मान लो अगर आप लोगों ने लिख दिया यहां पर 2l तो ये आपके पास हो गया गलत, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या आएगा l प्लस एल दैट इज इक्वल टू l, मतलब लेंथ जब लेंथ में ऐड होगी तो क्या ऑब्टेन होगा, लेंथ ही ऑब्टेन होगी, अगर मैं लेंथ में से लेंथ माइनस करूंगा तो आपके पास लेंथ ही ऑब्टेन होगी, ना कि आपके पास कि मैं लेंथ में से लेंथ माइनस कर दूंगा, और अगर आप लोग कहीं लिख दो यहाँ पर जीरो तो जीरो लिख दिया तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, लेंथ ही ऑब्टेन होगी। वेलोसिटी है आपके पास जैसे एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, तो आपके पास क्या आएगा, एल टी माइनस वन ही आएगा, यहाँ पर टू नहीं लगाना है हम लोगों ने कहीं पर, आप लोग क्या करते हो यहाँ पर टू लगा दो तो वो आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास क्या होगा,
that the quantities of same dimensions that can only be added. अब according to the principle of homogeneity, अगर एक साइड आपके पास क्या है वो क्वान्टिटी है, जैसे मान लो फोर्स है आपके पास, तो दूसरी साइड मैंने लिख दिया जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी आपके पास पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर ही हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इनको आप लोगों ने सीखने की कोशिश करनी है, और यहाँ से हम लोग डायमेंशन निकालेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने डायमेंशन यहाँ पर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि एक वंडर वॉल इक्वेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में, कंपटीशन की बुक में भी है और आपके पास दिया भी जाता है। ये एक इक्वेशन दी गई है वंडर वॉल इक्वेशन, दैट पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू दिस इज बी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी, वेयर T is pressure, V is volume, R is gas constant and T is a temperature. Then what we have to do that find the dimensions of A and B. इसके A और B के हम लोगों ने क्या करने हैं, dimensions यहाँ पर find out करने हैं। अब ध्यान दें, हमने बोला according to the principle of homogeneity that the quantities of same dimensions that can only be added. It means हमारे पास ये प्रेशर है, इसमें ये quantity add हुई तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेशर के बराबर हो गया। ध्यान दें अब आप लोग, ये भी क्या हो गया आपके पास, प्रेशर ही हो गया। तो हम लोग पहले देखो प्रेशर, अगर मान लो आप लोगों को डायमेंशंस नहीं आते हैं, प्रेशर के नहीं आते हैं, तो पहले प्रेशर के निकालो। देखो कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, नहीं आते हैं भाई, नहीं आते हैं, निकाल लो पहले प्रेशर। हमारे पास क्या आता है, प्रेशर होता है दैट इज अ फोर्स पर मीटर एरिया, फोर्स के सभी को पता है दैट m1 l1 t-2 और एरिया क्या है l2। तो हमारे पास क्या आ गया इसके डायमेंशंस, दैट इज m1 l -1 t -2, ये आ गए इसके प्रेशर के आपके पास क्या है डायमेंशंस आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी, यहां पर ये निकालना है हम लोगों ने वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशन सभी को पता है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या आते हैं l3, ये डायमेंशंस हो गए इसके वॉल्यूम के। अब बात करते हैं हम लोग किसके निकालने हैं, ए के निकालने और किसके निकालने हैं, बी के निकालने। अब क्योंकि ये क्वांटिटी हमारे पास ऐड की गई है तो देखते हैं, अब हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं, अब ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्रेशर, क्योंकि प्रेशर दैट वाज ओनली बी एडेड टू प्रेशर, सो देयरफॉर ए दैट इज इक्वल टू पी इनटू बी स्क्वायर बाय पी आर प्रेशर के डायमेंशंस दैट इज m1 l-1 t-2 और वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपके पास कितने l3 और इसका है स्क्वायर यहां पर, तो इसका कर दो आप लोग स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया क्या, दैट इज m1 l-1 t-2 into l6, तो ये बच गए किसके बराबर, m1 l5 l-1 plus 6 that is equal to 5 और t कितना आ गया -2, तो ये इसके डायमेंशन हो गया क्लास थ्री आर डायमेंशन ऑफ ए, ए के डायमेंशन आपके पास याद है m1 l/t-2। अब b की बात करते हैं, b तो सीधा है भाई आपके पास v-p, अब क्योंकि वॉल्यूम में से सिर्फ वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ से देखें इस टर्म में से देखें यहाँ से देखते हैं, तो v-p ये दे रखा है हमारे पास, तो इसका मतलब आपके पास क्या है हमारे पास दैट बी दैट इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब बी के क्या आ गए दैट इज इक्वल टू l3, बस ये आपके पास किसके आ गए बी के, तो आगे इसके ए और बी के डायमेंशन आपके पास सिंपली यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऐसे ये दे रखा है, अब एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा, उनको ध्यान रखना है आप लोगों ने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों ने यही रिवाइज करना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन टी इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है दैट टी इज इक्वल टू b-x² अपॉन at, ये आपके पास दे रखा है p = b - x² / a * t,
40, where P is power, यहाँ पर क्या लिखा है, P is power, ये मैं कल की बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि that P is power, यहाँ पर P pressure भी दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान से समझना है, X is the distance, P is the time, find the dimensions of A and P, ये पूछा गया है हमारे पास, अब power के फिर से देख लेते हैं भाई पावर है हमारे पास पहले पावर के निकाल लेते हैं डायमेंशन हम लोग पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम वर्क डन के पता ही है m1 l2 t minus 2 अपॉन दिस वन दैट इज टाइम t तो आपके पास आ गए m1 l2 t minus 3 ये आगे किसके पावर के आपके पास का आंसर आ गया x के तो l ही आएगा आपके पास क्योंकि डिस्टेंस है आपके पास तो x के डायमेंशन आपके पास इसके बराबर है l के बराबर है तो x के अंदर इसके बराबर आ जाएंगे l2 के बराबर आ जाएंगे x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l2 के बराबर आपके पास डायमेंशन आ गया और टाइम के t के बराबर आपके पास डायमेंशन आ गया अब निकालने क्या है हम लोगों ने यहाँ पर a और b के अब क्योंकि b माइनस x स्क्वायर है इसका मतलब दिस इज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ तो भाई स्क्वायर ऑफ लेंथ अगर माइनस हुआ है तो इसका मतलब आपके पास ये किसमें से माइनस हो सकता है स्क्वायर ऑफ लेंथ में से ही माइनस हो सकता है इट मीन स्क्वायर ऑफ लेंथ मतलब ये एरिया है तो एरिया जो है एरिया में से ही माइनस हो सकता है तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर पहले b के निकल जाएंगे यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दैट b दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर इसी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर b दैट इज इक्वल टू इसके बराबर l2 के बराबर बस आगे का डायमेंशन हमारे पास ठीक है निकल गए अब बात करते हैं किसकी इसकी a की तो हमारे पास p है p दैट इज इक्वल टू अब क्योंकि l2 माइनस l2 देखें थोड़ा सा ध्यान दें l2 माइनस l2 ये है आपके पास अपॉन a रूटी l2 माइनस l2 दैट इज इक्वल टू l2 ऐसा मत कर देना जीरो कर देना कहीं इसको अपॉन a इंटू टी ये हो गया आपके पास निकालने किसके हम लोगों ने a के चाहिए हम लोगों को तो मैंने लिख दिया इसको l2 अपॉन p इंटू टी के बराबर अब रख लो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया l2 अपॉन यहाँ पर p पावर के है आपके पास m1 तो सॉरी पावर नहीं हाँ पावर था m1 l2 t माइनस 3 और यहाँ पर साथ में लिख दिया t Yes, one. T1 आपके पास आ गया तो a के dimensions is equal to यहां से देखें अगर हम लोग तो ये आ गया l2 upon यहां पर देख लो m1 ये l कितना हो गया बेटा आपके पास l2 है और ये t आपके पास बच गया कितना माइनस टू अब इस सारे को ले जाओ ऊपर m ऊपर जाएगा तो पावर आ जाएगी माइनस वन L अगर आपके पास ऊपर रहेगा तो L2 नीचे है L2 आपके पास ऊपर है तो ये हो गया आपके पास कितना L0 और D आ गया 2 तो इसको ऐसे लिख दो चाहे आप लोग ऐसे लिख दो A is equal to M minus 1 D 2 ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास इस तरीके भी से भी चल पड़ेगा आपके पास ये आपके पास डायमेंशंस हो गए इसके A के डायमेंशंस हो गए ठीक है ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं हम लोग चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग इसमें बोला गया है कि दैट द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू यहां पर देखें अगर हम लोग हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि दैट v is equal to a plus bt plus c upon d plus t यहां पर बात करते हैं हम लोग इसकी बात कर लेते हैं यहां पर हम लोगों ने क्या करना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d देखते हैं हम लोग क्या है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ये सारा v के बराबर है इसका मतलब a b v के बराबर b into t that is also equal to b c upon d plus t that is also equal to b सब कुछ हो गया किसके बराबर v के बराबर तो पहले निकाल लेते हैं a के a equal to b तो a
के डायमेंशन दैट इज इक्वल टू एल वन टी माइनस वन, आगे डायमेंशन ये क्या हो गए। नेक्स्ट वन डी इंटू टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी, सो डी इंटू टी दैट इज इक्वल टू बी, सो डी दैट इज इक्वल टू बी अपॉन टी। सो यहां से देखते हैं डी दैट इज इक्वल टू बी के है एल वन टी माइनस वन अपॉन टी, तो ये आ गया आपके पास एल वन टी माइनस टू। ये ऊपर गया तो आपके पास पावर आ गई, यहां पर कितने गई वन, ऊपर चली गई तो पावर क्या हो गई माइनस टू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन यहां से पहले इसकी निकालो डी, डी जो है वो टी में प्लस हो रहा है, इसका मतलब डी के जो डायमेंशन है दैट इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ टी, मतलब ये टाइम में एड हो रहा है, इट मीन टाइम में टाइम ही एड हो सकता है, तो हम लोग पहले निकाल देंगे डी के, तो डी दैट इज इक्वल टू टी, इट मीन आपके पास डी के जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू टाइम, ये आपके पास आ गया। अब मैं यहां से लिख लू क्या दैट सी अपॉन टी, ऐसे लिखूंगा मैं क्योंकि टी प्लस टी दैट इज इक्वल टू टी, टाइम के बराबर ही आएगा दैट इज इक्वल टू बी, ये आ गया बी के बराबर, सो सी दैट इज इक्वल टू बी इंटू टी, सो सी दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इंटू टी, ये वन ही है आपके पास, सो सी दैट इज इक्वल टू एल के बराबर आपके पास है, सी आपके पास है डायमेंशन आपके पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हो। चलो कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, कल जो है वो विजिबल नहीं था आप लोगों को, तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं हम लोग। हमारे पास राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन एफ इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, दैट एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स, देखो बेटा ये दे रखा है एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, वेयर एफ इज फोर्स एक्स इज अ डिस्टेंस टी इज अ टाइम। आप देखो हमारे पास यहां पर क्या है, आपके पास एफ इज फोर्स, तो ये भी किसके बराबर, फोर्स के बराबर ही हुआ, तो मैं क्या लिख दूं इसको a अंडर रूट x दैट इज इक्वल टू किसके बराबर f के बराबर, a के निकालना है तो दैट इज f अपॉन अंडर रूट x, मतलब f अपॉन x पावर 1 माइनस 2, f आपके पास फोर्स है तो मैं इसको लिख दूं m1 l1 t माइनस 2 फोर्स के डायमेंशंस और l पावर 1 माइनस 2, सो ए आपके पास आ गया एम वन एल वन माइनस वन बाई टू, तो बच गया वन बाई टू और टी माइनस टू आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास किसके, ए के डायमेंशन अगर निकाले हम लोग तो आगे एम वन एल वन बाई टू टी माइनस टू, बी के निकाले तो देखें बी इंटू टी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ, so b that is equal to f upon t square, so m1 l 1 t minus 2 upon t 2, तो हमारे पास आ गया m1 l 1 t minus 4, ये आपके पास आ गए। so b के dimensions की बात करें तो b के dimensions हमारे पास निकाल दिया हम लोगों ने। कई बार क्या पूछा जाता है कि आपको अपने dimensions निकालने हैं a upon b के डायमेंशन आप लोगों ने यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, तो a अपॉन b के निकालने हो तो वैसे निकाल दो, आप क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो, तो a अपॉन b, कई बार ऐसे पूछ नहीं रहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, तो a के लिए आपके पास क्या है m1 l 1 by 2 t minus 2 upon m1 l 1 t minus 4। ठीक है, यहां से देखिए तो आ गया एम नॉट, ये देखो एम वन एम वन कट गया आपके पास, यहां से पावर वन जाएगी तो हाफ माइनस वन दैट इज माइनस हाफ एल माइनस वन बाई टू, और यहां से टी आपके पास कितना जाएगा टी इन टू, ये आपके पास डायमेंशन आ गए किसके, दैट इज ए अपॉन डी के डायमेंशन आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो डायमेंशन जो है यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने काउंट कर रखे हैं, रूल्स आप लोगों को आते ही हैं कि दैट
the number of the reliable digits plus one non-significant digit, plus one uncertain digit, that is known as a significant digit. ठीक है, रिलायबल मतलब जिनको भी जो पता ही है कि आएगी आपके पास डिजिट प्लस सही का आप लोगों के पास अनसर्टेन डिजिट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन काउंट करने की बात करते हैं हम लोग, जब भी हम लोगों की करनी है वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो एक रूल हमारे पास आता है कि दैट द इन द नंबर विदाउट डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये हम लोगों ने बात की थी और मैंने शायद उसको उसमें भी एक्सप्लेन किया गया था, डाउट क्लास जब हम लोगों ने ली थी, लाइव क्लास की बात की थी, अब ज़्यादातर बच्चे उसमें नहीं जुड़े थे लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उसको, फिर से मैं वीडियो क्लास में उस बात को उस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ मेनली। अब जैसे मान लो आपके पास ये नंबर दिया गया है कितना 4200, ये आपके पास नंबर है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लिखूँ अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें आगे आपके पास टू कितने, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन अगर आपके पास दिस क्वांटिटी इज अ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, आपके पास इसके साथ लग गया अगर यूनिट का मतलब आपके पास हो गया कितना 4200 किलोग्राम लिख दिया मैंने साथ में। लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.200 × 10³। ये हमारे पास आए और साथ में आ गया किलोग्राम। नाउ दिस जो मल्टीप्लायर आता है 10 का, दिस इज नेवर सिग्निफिकेंट, ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अब यहां पर ये जो सिग्निफिकेंट है आफ्टर डेसिमल आ रही है जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, दीज आर दी जीरोस, दीज आर सिग्निफिकेंट, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए आपके पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपके पास आए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए बेटा आपके पास, 4 आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ गए। तो जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी है मेजर, मेजर क्वांटिटी का मतलब है आपके पास जब यूनिट लगे हैं, यूनिट का मतलब है जैसे आपके पास 5200 मीटर लगा दिया मैंने, ठीक है, या आपके पास 4700 किलोग्राम आप लोगों के पास लगा दिया, ठीक है, या मेरे पास आ गए यहाँ पर 20 सेकेंड आ गए इस तरीके से, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो लास्ट की जीरो है उनको भी क्या करना है, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट लेकर के चलना है। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि उनको भी क्या करना है, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट लेकर के चलना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास तो इसमें आपके पास कितने आ गए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, इसमें भी कितने आ गए 4 और इसमें कितने आ गए 2 आ गए, लेकिन अगर आपके पास ये यूनिट नहीं है मतलब आपके पास ये मेजर क्वांटिटीज नहीं है, तो आपके पास सिंपली क्या लिखा है, जैसे 5200 लिखा है, 4700 लिखा है, या सिर्फ 20 लिखा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, यहाँ पर कितने 2 और यहाँ पर कितने आ गई 1, तो ट्रेलिंग जीरो जो है आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने दूर करना और यहीं से कंप्यूटेशन में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और बच्चे इसके लिए लिख के आते हैं 2 लिख करके आते हैं, वो हो जाता है गलत, नहीं करना है आप लोगों ने, यहाँ से ध्यान रखना है अगर ये यूनिट लिखे हैं साथ में तो ट्रेलिंग जीरो क्या करनी है आप लोगों ने साथ में जोड़ना है, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करना है उनको इंक्लूड करना है आप लोगों ने, करना ही है आप लोगों ने, ठीक है, तो ये बात आप लोगों का हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, एरर से मैंने बताया था आप लोगों को कि परसेंटेज एरर जो आप लोगों का रेस्ट पावर 10 वाला जो क्वेश्चन था वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, ठीक है, एरर, बाकी आप लोग कर लेना एरर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के पास रेस्ट पावर की बात है वहां से बात करते हैं हम लोग,
वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक आधा क्वेश्चन हम लोग वहाँ से कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, रेस्ट पावर में हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखी है x, दैट इज मेजर्ड एज x इज इक्वल टू a पावर l b पावर m अपॉन c पावर n, ऐसे दे दिया गया आपके पास, ठीक है। राइट द विच वन दैट इज अ फंडामेंटल एरर इन x, सॉरी फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर जब भी इसमें लिखनी है तो रेस्ट पावर आ गया, इसमें आप लोगों ने प्लस माइनस का यूज नहीं करना है, बीच में कभी नहीं करना है, जब भी लिखना है आप लोगों ने, चाहे पावर आपके पास माइनस में दे रखी हो प्लस में दे रखी हो, कुछ भी देना देना नहीं है आप लोगों को। सिंपली क्या करो बेटा, यहाँ से लिख दो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्या करो प्लस माइनस यहाँ पे लगा दिया, पहले लिख दिया पावर एल लिख दिया आप लोगों ने, फिर देखना है ये क्या है, ए है तो लिख दो डेल्टा ए अपॉन ए, फिर क्या करो प्लस लगा दो, फिर प्लस लगाना है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है आगे, अब माइनस आएगा ही नहीं आपके पास, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे पावर प्लस में है चाहे माइनस में है, आप लोगों ने माइनस साइन का यूज करना ही नहीं है। फिर पावर कितनी है, एम है आपके पास, फिर क्या लिखोगे डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस एन इन टू डेल्टा सी अपॉन सी आपने लिख दिया यहाँ, ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल एरर। अगर आप लोगों ने यहाँ से निकालनी है क्या परसेंटेज एरर, तो क्या कर दो उसको 100 से मल्टीप्लाई जाए कर दो, इसको भी क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई जाए कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, दो क्वेश्चन मैं आपके पास करके दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे दे रखा है अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी अंडर रूट, ऐसे दे रखा है। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर 2% 1% दे रखी है 2% 1% ए बी, ये बी में दे रखी है, और उसके बाद आप लोगों के पास 3% एंड 4% ये ए में है, ये बी में है, ये सी में है और ये डी में है। देन वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, हम लोगों ने एक्स में करनी है परसेंटेज एरर जो है वो यहाँ पर निकालनी है। आप देखते हैं कैसे निकालते हैं, देखते हैं हम लोग, तो क्या करो पहले दो ही फ्रैक्शनल एरर निकालो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या करो बेटा यहाँ पर इक्वल टू प्लस माइनस लगा दिया हम लोगों ने, प्लस माइनस पावर कितनी है कि 2, ये लिख दिया, फिर क्या लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए, फिर क्या लिखो प्लस बी की पावर कितनी है 3 डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस लगाना है, इतना क्या है सी है आपके पास, क्या लिख दो डेल्टा सी अपॉन सी, फिर प्लस, अब बी अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहां पर क्या कर दो 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, ये आपके पास निकल गए फ्रैक्शनल एरर। अब निकालो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करो मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहां से 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये आपके पास आ गया। अब ये हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इस परसेंटेज एरर इन द एक्स प्लस माइनस 2 इंटू दिस इज अ परसेंटेज एरर इन द ए, ए में कितनी है 2%, तो इसको लिख दो 2% प्लस 3 इंटू बी में कितनी है आपके पास 1%, तो ये 1% लिख दिया, प्लस सी में आपके पास 1 ही है तो इसकी परसेंटेज एरर कितनी है 3% प्लस 1/2 और डी में कितनी है 4%, ये आपके पास आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस 2 × 2 = 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, ये आपके पास आ गया। अब इनको जोड़ लो कितना हो गया 4 × 3 = 7 + 3 कितना हो गया 10
प्लस 3 12%, तो ये आ गया आपके पास कितना प्लस माइनस 12% आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गई एरर आ गई। ऐसे ही आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसे है कौन सा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी में देखते हैं हम लोग जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है डाटा कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी। जी आपके पास दिया गया है दिस वन जी दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर ठीक है। व्हेन एल एंड टी आर मेजर्ड विद प्लस माइनस 2% एल में ये एरर है और टी जो है वो उसमें जो एरर है वो है प्लस माइनस 3%। इस एरर के साथ इनको जो है वो क्या किया गया मेजर किया गया रिस्पेक्टिवली ठीक है। अब इसमें बोला गया कि हम लोग ने जी की कैलकुलेशन में एरर निकालनी है। क्या करो बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालें तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या डेल्टा जी अपॉन जी इसकी बात करते हैं दैट इज इक्वल टू। अब ये 4 पाई स्क्वायर है इसको नहीं लेना है हम लोगों ने इसको नहीं लेना है जबकि एरर एरर आती है मेजरमेंट में। ये जो फार्मूले में है आपके पास कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट में क्या एरर आएगी नहीं आएगी आपके पास। तो क्या करो यहाँ पर लिख दो प्लस माइनस एल है आपके पास वो नहीं है इसकी पावर तो डेल्टा एल अपॉन एल फिर प्लस लगाएंगे टी की पावर कितनी है 2 फिर क्या लिखोगे डेल्टा टी अपॉन टी ये देखते हैं आप। अब क्या करना है परसेंटेज एरर निकालनी है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर आ गई तो प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एल कितनी है 2% प्लस इंटू डेल्टा टी अपॉन टी कितनी है 3% सो 3% तो कितना हो गया आपके पास प्लस माइनस 2% प्लस 6% तो कितना आ गया आपके पास दैट इज प्लस माइनस 8%। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो ये एरर जो है वो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा ये रिवाइज करना थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। कल अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा जो काइनेमेटिक्स है उसके चैप्टर को लेकर के चलूंगा और थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा चीज़ों को ठीक है। आज के लिए इतना ही है इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करना है जस्ट थोड़ा सा रिविजन था आप लोगों के लिए ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।